हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद अविनाश सर। कल वीडियो नहीं आ पाई है, उसके कुछ पर्सनल कारण हैं। और आज हम शुरू होते हैं जो पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ कोफैक्टर एंड कोफैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। अब हम क्या करते हैं कि उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेकर आ जाए हैं, और ये एनसीईआरटी का 3.2 एक्सरसाइज है, सॉरी 4.2 एक्सरसाइज है। डिटरमिनेंट का क्या होगा दूसरा एक्सरसाइज लेकर मैं आ जाया हूँ, उसके कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। हर क्वेश्चन में हम हर प्रॉपर्टी को भी स्पेसिफाई करेंगे कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, क्यों अप्लाई करेंगे, और कैसे इसके बाई प्रॉपर्टी या डिटरमिनेंट हम इसके वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो आता है कि इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, तो आप तो कैसे फ्री होते हो, चाहे उसको आप डायरेक्ट एक्सपेंड करके कर लो, चाहे उसको क्या कर लीजिए आप प्रॉपर्टी से कर लीजिए। लेकिन कुछ क्वेश्चनों में आता है कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, उस कंडीशन में आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई ही करना पड़ता है, डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं तो आपके नंबर नहीं मिलते हैं। दूसरी बात है कि प्रॉपर्टी किस हद तक कहाँ तक अप्लाई किया जाए, तो याद रखिए कि जब किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू बाई प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोले तो उसमें आप किसी एक रो के दो एलिमेंट को या किसी एक कॉलम, यदि 3x3 का डिटरमिनेंट है तो मैक्सिमम नंबर आप 0 बनाएंगे किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, जब कभी भी बाई प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू के निकालने के लिए आपसे कहा जाए तो उसमें आप करेंगे क्या कि किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम क्या कहने का मतलब ये हुआ कि 3x3 ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट है तो उसके किसी एक रो के दो एलिमेंट को 0 बना देंगे, या किसी एक कॉलम के दो एलिमेंट को 0 बना देंगे। यदि 4x4 का डिटरमिनेंट है तो उसके किसी एक रो के 3 एलिमेंट को 0 बना देंगे, या उसके किसी एक कॉलम के 3 एलिमेंट को 0 बना देंगे, और तब जाके उस रो या उस कॉलम के अलावा एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो ये बात समझिए, ये बात आपको अभी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ये आपको समझ में आने लगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, डिटरमिनेंट जो चैप्टर है उसका सेकंड एक्सरसाइज मतलब 4.2 है। 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस जेड और जेड प्लस, ये दिया हुआ है और कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी 0। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको क्या प्रूफ करना है 0 प्रूफ करना है, लेकिन प्रॉपर्टी का यूज करके प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रॉपर्टी का यूज करना है। डायरेक्ट एक्सपेंड करना होता तब तो बहुत आसान होता, आप डायरेक्ट क्या करते किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलावा एक्सपेंड कर लेते और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन जब प्रॉपर्टी यूज करने के लिए कह देता है इसकी प्रॉपर्टी बाय डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू 0 होगी, ये दिखाइए, सो क्या दिखाना है हमको 0 दिखाना है। तो चलिए भाई ये ले लिए, अब इसमें हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। डिटरमिनेंट की पहले एक प्रॉपर्टी आपको बताया गया है, ध्यान से सुनिए, प्रॉपर्टी ये बताया गया है कि किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट यदि क्या हो दो नंबर के सम में हो तो उसको किस दो डिटरमिनेंट के सम में लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, किसी डिटरमिनेंट के एक कॉलम या एक रो के सारे एलिमेंट दो नंबरों के सम में लिखे हुए हों तो उनको हम ब्रेक करके दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर लेते हैं। और इसी तरह हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो तीसरा कॉलम है इसका दो नंबरों के सम में है तो हम क्या कर लेंगे इसको, ताइए दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर लेंगे। एक डिटरमिनेंट कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पर एक डिटरमिनेंट बनेगा आपका एक्स वाई जेड, दूसरा बनेगा कॉलम ये, और ये जो थर्ड कॉलम होगा उसमें से ये ले लेंगे एक्स वाई, ध्यान से देखिए एक्स वाई जेड, और दूसरा डिटरमिनेंट बनाने के लिए क्या लेंगे, ये दोनों तो लेंगे ही लेंगे एक्स वाई
जेड ए बी सी, और इसमें ये वाला चीज ले लेंगे, ठीक ना। ये ध्यान से देखिए, ये बी है तो क्या हो जाएगा ए बी सी। चलिए ध्यान से देखिए, आप इसको दो डिटरमिनेंट ब्रेक करना है, तो एक ये कॉलम लेंगे, ये एक कॉलम लेंगे, थर्ड कॉलम जो इसका बनेगा इसके पहले एलिमेंट से बन जाएगा, और इस डिटरमिनेंट का जो थर्ड कॉलम होगा इसके सेकंड एलिमेंट से बन जाएगा। अब ये तो हो गया कि हम किसी भी डिटरमिनेंट के को दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, कब, जब उसका एक कॉलम दो नंबरों के सम में दिया हो तब। ये तो प्रॉपर्टी एक अप्लाई हो गया। अब इसके आगे ये कहता है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हो जाएगा, एक प्रॉपर्टी ये भी है कि यदि दो कॉलम आइडेंटिकल दिख गया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जी यहां पर आप लिख भी सकते हैं, सिंस टू कॉलम ऑफ द एबव डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है ना, देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और इसी तरह यहां पर भी दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल है, इसलिए इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो फाइनल आ जाएगा कितना, जीरो। कोई एक्सपेंशन नहीं करना था, यहाँ केवल प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया है। यहाँ पर प्रॉपर्टी हमने ये अप्लाई किया है कि यदि ये कॉलम दो नंबरों के सम में है तो इसको दो डिटरमिनेंट में हमने ब्रेक कर लिया, और यहाँ पर प्रॉपर्टी ये अप्लाई किया है कि यदि दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और यहाँ पर भी दो कॉलम आइडेंटिकल होगा तभी भी वैल्यू जीरो होगी, दो रो आइडेंटिकल होता तभी भी वैल्यू जीरो होगी। ये प्रॉपर्टी में आपको पढ़ाया जा चुका है, जो लोग नहीं देखें प्रीवियस वीडियो डिटेल में देखिए, दो मिनट चार मिनट देखने से नहीं होगा, आराम से देखिए। देखने में थोड़ा उबाऊ लगता है, कोई भी वीडियो आप देखेंगे उबाऊ लगेगा, आप लोग क्लास में बात करते हैं तो वीडियो कितना देखते होंगे ये मैं बता नहीं सकता हूँ, और मैं आई गेस आप लोग दो चार मिनट एवरेज देख रहे हैं वीडियो, इस ये पता चल रहा है मुझे, लेकिन दो चार मिनट से नहीं होगा। आप एकदम पेशेंस के साथ पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो प्रीवियस वीडियो को यदि अच्छे से आप लोग देखे होंगे तो मेरी बात जो प्रॉपर्टी में रेफरेंस दे रहा हूँ जिस प्रॉपर्टी का, वो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ दो प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है, उसका यूज करके हमने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया है, जीरो कर दिया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसकी भी वैल्यू दिखाना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो एक प्रॉपर्टी आपको बताए थे कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम रिप्लेस हो सकता है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम रिप्लेस हो सकता है, उसी रो में, उसी दूसरे रो में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, और कोई कॉलम रिप्लेस हो सकता है उसी कॉलम में, ठीक है ना, उसी कॉलम में सीआई में ही कोई नंबर का दूसरे किसी कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके या ऐड करके। तो ये प्रॉपर्टी को जब एक्सपेंड करोगे तो बहुत सी चीजें निकल के आएगी। पहला तो ये भी निकल के आएगा कि आर वन हट सकता है आर वन प्लस आर टू से, ठीक है ना, आर टू हट सकता है आर टू प्लस थ्री आर वन से, ऐसे लिख सकते हो। अब कहोगे सर यहाँ तो के आपने नहीं लिया, के नहीं लिया तो वन लिया, भाई कुछ नहीं लिया तो वन, क्लियर हो रही बात है, के मतलब कोई कांस्टेंट यहाँ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आर थ्री रिप्लेस बाई आर वन, सॉरी जो रिप्लेस होगा वो तो यहाँ सिंगल रहेगा, ये इसके बाद से कुछ जोड़ो घटाओ वो अलग बात है, माइनस आर वन यह हो सकता है। और इसी इसी क्रम में आगे ये भी हो सकता है कि आर वन को रिप्लेस करो आर वन प्लस थ्री आर टू प्लस टू आर थ्री। अब तुम कहोगे सर ये कहाँ से आ गया, ध्यान से देखिए इसी प्रॉपर्टी का एक्सपेंशन यहाँ हो रहा है। आप किसी रो को हटा सकते हैं, उसी रो में किसी दूसरे रिमेनिंग रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करके या एक प्लस कर दिए एक माइनस भी कर सकते थे।
कोई कॉलम हट सकता है किसी कॉलम में क्या करके, किसी दूसरे अन्य कॉलमों में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, एक को मल्टीप्लाई करो, दूसरे को सब्ट्रैक्ट करो, तीसरे को प्लस करो, कुछ भी कर सकते हो। मतलब सी टू रिप्लेस होता सी टू माइनस थ्री सी वन प्लस टू सी टू, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ से एक निकल के आता है कि हम आर वन को रिप्लेस कर सकते हैं आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री से, ये भी कर सकते हैं। यदि ऐसा है इनमें से कोई भी चीज़ अप्लाई करते हो तो डिटेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी, चेंज नहीं होगी, ये आपको बताया गया है, आपको यही दो बताए गए हैं, लेकिन किसी का एक्सपेंशन नहीं, याद रखिएगा। इसमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हो अपने मन से। देखो ये जो रिप्लेस होगा उसको यहाँ पर रखना, ठीक है ना, उसको सिंगल रखना, उसमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड मत करना। और बगल में किस रो में क्या मल्टीप्लाई करके प्लस कर रहे हो माइनस कर रहे हो आप कुछ भी कर सकते हो, समझ में आ रही है, जैसी जरूरत होगी वैसे। यहाँ पर हमको जरूरत है इनकी, इसकी प्रॉपर्टी की, इसकी जरूरत है, तो हम ये अप्लाई करने जा रहे हैं। आर वन को रिप्लेस करना है किससे, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री से। हम यहाँ आर वन को रिप्लेस कर रहे हैं आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री से, मतलब ये हुआ कि ये हटेगा, और कैसे हटेगा, इसी में इन तीनों रो को जोड़ेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, जब इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, आर वन का एलिमेंट है इसी एलिमेंट में ये जुटेगा, क्योंकि हमने लिखा है कि आर वन में क्या जुट रहा है आर टू प्लस आर थ्री, तो आर वन टू प्लस आर थ्री जोड़ेगा, मतलब क्या हुआ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुटेंगे। तो ध्यान से देखिए, जब ये और ये तीनों जुटेंगे तो क्या होंगे, देखो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, माइनस सी से प्लस सी कैंसिल, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, आप जोड़ के देखिएगा, यहाँ पर दिखा भी दे रहे हैं ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा सी माइनस ए, ये जुटेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, हो जा रहा है कैंसिल हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। इसी तरह जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो जीरो आएगा, फिर इन तीनों को यहाँ जोड़ोगे तो जीरो आएगा। रिप्लेसमेंट किस में लगा है, आर वन में लगा है, मतलब ये हुआ कि जो रिमेनिंग रो होंगे जस के तस क्या कॉमन कर दिए जाए, मैंने कॉपी कर दिए जाएंगे, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, यह ध्यान से देखिए। इस प्रॉपर्टी को मैंने एक्सपेंड कर दिया, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझा, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, जो प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी उसी को एक्सपेंशन कर देंगे तो ये निकल के आएगा। यही नहीं, आप चाहो तो एक प्लस एक माइनस कर सकते थे यहाँ पर, या प्लस ये माइनस इसमें, या ये भी हो सकता था कि आर वन हटा दो और आर वन की जगह टू और यहाँ पर टू मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ फोर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, लेकिन चूंकि ये अप्लाई करेंगे तभी ये जीरो होगा। या आप ये भी कर सकते थे कि आर टू रिप्लेस बाई आर टू प्लस आर वन प्लस आर थ्री, तो आर टू जीरो हुआ होता, ये नहीं। आप यदि सी वन रिप्लेस, मतलब कॉलम सी वन रिप्लेस किए होते सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री से, तब ये एक कॉलम जीरो हो गया होता, तो जो चाहे वो अप्लाई कर लो। हमने क्या किया, सीधा सीधा आर वन रिप्लेस बाई आर टू प्लस आर थ्री। और आपको एक और प्रॉपर्टी बताई गई है कि यदि किसी भी डिटरमिनेंट के एक रो के सारे एलिमेंट पूरा पूरा जीरो हो जाएं, या एक कॉलम के एलिमेंट सारे सारे जीरो हो जाएं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। बस इतना ही करना है, आपको एक प्रॉपर्टी बताई गई है, यदि किसी डिटरमिनेंट के एक रो की या एक कॉलम के सारे, किसी भी रो के सारे एलिमेंट जीरो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि इसकी भी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो था, और थर्ड क्वेश्चन पर आ जाए। थर्ड क्वेश्चन है टू थ्री फाइव सेवन एट नाइन सिक्सटी फाइव सेवेंटी फाइव और एट्टी सिक्स, और आपको दिखाना है इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इसको क्या दिखाना है, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है, तो चलिए अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, कुछ अब जो हम चीज करने जा रहे हैं आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर उठेगा कि आपको कैसे पता कि यही होने वाला है, आप कैसे ये ढूंढ लेते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जब आपको प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे ना, तो आपको सोचने की क्या होगी, सोचने का डायमेंशन पता हो जाएगा कि आप किस वे में सोचेंगे तो ये क्वेश्चन बन के निकल के आएगा।
प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और मैं इसको 10 बार किया हूँ तो मुझे याद भी हो गया है, लेकिन कुछ क्या होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसे ट्रिक पता हो जाते हैं। जैसे आप क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करना, हिट करना शुरू कर देते हैं। एक क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके छोड़ दोगे और दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो नहीं कर पाएंगे। आप जब बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को करते हैं तो आपके पास क्या हो सकता है, अपना एक समझ डेवलप होता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट होता है, जिससे आप क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को कैसे किया जाए ये सोचने में आपको क्या करता है, वो हेल्प करता है। ठीक है, आपको क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा और उससे आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि जब एक्सपीरियंस होगा तो उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको उससे वे पता चलेगा क्वेश्चनों को सॉल्व करने का कि कैसे हम ये कर सकते हैं, मे बी ये तरीका हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, यदि इसमें 9 से मल्टीप्लाई किया जाए, 2 ऐड किया जाए, तो 9 7 जा 63 और 2 65। इसमें 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 8 जा 3 72, 9 8 जा 72 प्लस 3 75, और 9 9 जा 81 81 प्लस 86। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसको हटा दिया जाए और इसकी जगह इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो ये कॉलम भी इसी कॉलम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ रिप्लेसमेंट है C1 रिप्लेस बाई C1 प्लस 9C2। हमने क्या कर दिया, C1 को रिप्लेस किया किससे, C1 प्लस 9C2 से। C1 हटेगा और C1 की क्या जगह आएगा, 9C2 आएगा, मतलब इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे ऐड करोगे तो क्या होगा, 9 7 जा 62 63 और 2 65, 9 8 जा 72 और 3 75 9 9 जा 81 और 5 86 जाएगा 7 8 9 65 75 86। अब फिर वही बात, दो कॉलम आइडेंटिकल आ गया, क्या आ गया, दो कॉलम आइडेंटिकल, वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। बात समझ में आया, तो ये कैसे आएगा ये तो आपको अपने से सोचना पड़ेगा, और ये सोच कैसे डेवलप होगी, ये अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी आपके अंदर, ये तब डेवलप होगी जब आप बहुत से क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एनसीईआरटी से चल रहे हैं, देख लीजिए, देखिए बहुत से क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट ही नहीं कर रहे यार, मुझे ये क्वेश्चन चाहिए, व्हाट्सएप करो कि ये सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगले वीडियो में जरूर भेजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 111 BC CA AB A B plus C B C plus C C A plus C, ये और कह रहा है कि इसकी भी वैल्यू 0 प्रूफ करनी है। तुम कहोगे सर सारे एटम की वैल्यू 0 होती है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए थे कि उसकी वैल्यू क्या करनी है, हमको 0 प्रूफ करनी है। तो चलिए इसको कुछ करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखें, ये 1 हो गया, जो कर सकते हैं वो पहले देखिए ऐसा कर सकते हैं, ये हो गया, ये बताओ यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ना, AB प्लस AC ये मल्टीप्लाई होता क्या होगा, BC प्लस BA ये मल्टीप्लाई होता क्या होगा, CA प्लस हो जाए, चलो कर दिया हमने, बोलिए इसमें हमने कुछ नहीं किया, ये मल्टीप्लाई करके दोनों टर्म को एक साथ कर लिया है। अब एक चीज बताइए कि इस C2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसी C2 में C3 को ऐड करके कर सकते हैं, तो नेक्स्ट है आपका C2 रिप्लेस बाई C2 प्लस C3, कर लो भाई, तो क्या हो जाएगा, C2 हटेगा और C2 में C3 ऐड हो जाएगा। तो C2 के बारे में केवल लिखा हुआ, मतलब चेंज केवल इसमें आएगा, इन दोनों में चेंजिंग तो आएगी नहीं, जैसा है वैसे ही लिख दीजिए 1 1 1, और इस C2 में चेंजिंग है C2 प्लस C3, तो इसमें ये जोड़ के लिख दो, तो BC प्लस AB प्लस AC, ठीक ना, ये जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, CA BC BA, और फिर इसमें जोड़ दो
एपी, सीए, सीबी और ये थर्ड कॉलम ऐसे रहे, तो एबी प्लस एसी, बीसी प्लस बीए, सीए प्लस सीबी, हो गया। अब आप देख रहे हो कि ये तीनों एलिमेंट एक ही हैं, वो अलग बात है कि यहाँ पर ए बी यहाँ है, यहाँ ए बी यहाँ है, ए सी इसमें है, इसमें सी ए लिखा है, लेकिन जब आप देखोगे तो जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है और वही चीज़ ये है, इसका मतलब यहाँ से ये तीनों कामन हो सकता है। अब कहोगे कि ये कामन क्यों कर रहे हैं, आपको बताए थे कि मैट्रिक्स में जो कामन कर होता है वो कहाँ से होता है, सारे एलिमेंट से होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में जो कामन करते हैं हम, किसी एक रो में यदि कोई नंबर कामन है तो वो एक रो से कामन हो सकता है, यदि किसी एक कॉलम में कोई नंबर कामन है तो वो सीधे एक कॉलम से कामन होकर बाहर आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आपको बताया गया कि किसी नंबर का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट में होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में जाके मल्टीप्लाई होता है, इसलिए उसका रिवर्स जब कामन भी करेंगे तो हम किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से कर सकते हैं डिटर्मिनेंट में। तो यहाँ पर हम ये चीज़ कामन हो जाएगी, तीनों एक ही है, अरेंज कर लीजिएगा ठीक से, क्या है तीनों, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही है, अब थोड़ा सा सही से लिख देंगे तो वही आएगा। कहाँ से कामन हुआ, यहाँ से, यहाँ पर लिख दीजिएगा टेक ही कामन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम सी टू, ठीक है ना, कहाँ से कामन कर रहे हो, सी टू से, सी टू से कामन कर लो तो क्या हो जाएगा, वन 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 ए बी ए सी बी सी बी ए सी ए सी, ठीक है ये। अब जैसे ये कॉमन हो गया, दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया, और दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया तो फाइनल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ये यहाँ जीरो आ जाएगा, तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, जीरो। बोलो जैसे ही कॉमन करोगे तो ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, जब दोनों वन हो गया तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, बात समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर फोर। अब एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए जब भी हटे तो, यदि आपको देखना है तो या तो वीडियो देखिए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, क्वेश्चन है थोड़ा लंबा भी जाएगा, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है आपका b प्लस सी क्यू प्लस आर और y प्लस जेड, और नेक्स्ट है c प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, प्रूफ करना है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5, प्रूफ करना है टू ब्रैकेट में ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ये प्रूफ करना है। चलिए करते हैं, समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को हमको करना है, आराम से करेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट के सारे नंबर दो नंबरों के सम में है सारे एलिमेंट, तो ये प्रूफ करना है, तो इसकी तो कोई जरूरत है नहीं हमको, यहां पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहां पर ये देख बाद में मिटा देंगे, यहां पर ध्यान से देखिएगा क्या करने वाले हैं। यहां पर आपको बताए थे कि आप स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक रो के सारे एलिमेंट यहाँ देख रहे हैं दो नंबरों के सम में, तो पहले पहले रो को ब्रेक करेंगे दो डिटरमिनेंट में, फिर दूसरे रो से दो दो डिटरमिनेंट और फिर तीसरे रो से दो दो डिटरमिनेंट बनेगा, मतलब यहाँ टोटल आठ डिटरमिनेंट में ये ब्रेक होने वाला, चलो आठ में ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ले लीजिए और ये लीजिए,
बी सी प्लस ए ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, क्यू ले लीजिए आर प्लस बी बी प्लस क्यू, क्यू इसी को ब्रेक कर रहे हैं पहले, क्यू आर प्लस बी और बी प्लस क्यू, यहाँ पर क्या होगा वाई वाई जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। अब क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, ये इसको ब्रेक करके हम ये और ये और लेकर बना लेंगे। अब क्या करेंगे सी और ये पूरा सी सी प्लस ए और ये क्या होगा ए प्लस बी, पहले उसको ब्रेक कर रहे हैं, फिर आर क्योंकि क्यू तो यहाँ पर आ गया तो आर होगा आर आर प्लस बी बी प्लस क्यू आर प्लस बी बी प्लस क्यू, समझ में आ रहा है ना। फिर क्या होगा जेड और जेड प्लस एक्स और यहाँ पर क्या होगा एक्स प्लस वाई। क्या हमने किया स्प्लिट कर दिया पहले रो के दोनों एलिमेंट को और इससे हमने क्या किया दो डिटरमिनेंट बनाया। आपको प्रॉपर्टी पढ़ाते वक्त बताए थे ऐसे क्वेश्चनों में आप किसी एक एक रो को क्या किसी एक एक कॉलम को ब्रेक करेंगे, एक ही बार ये मत समझिएगा ये तो ए बी सी ए और क्यू आर बी और वाई जेड एक्स ये तो लेकर एक डिटरमिनेंट और सी ए बी आर पी क्यू और जेड एक्स वाई लेकर दूसरा डिटरमिनेंट, दो में ब्रेक होगा नहीं, एक रो को ब्रेक करेंगे तो दो डिटरमिनेंट, फिर दूसरे रो को ब्रेक करेंगे तो यहाँ से दो और फिर तीसरे से तो यहाँ हर से दो 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 क्या होंगे डिटरमिनेंट ब्रेक होकर आएंगे। तो नेक्स्ट है आपका, चलिए ध्यान से देखिए क्या होगा, अगला है बी और अब सी, सी दूसरे को ब्रेक करना है सी ए प्लस बी और क्या हो जाएगा क्यू आर बी प्लस क्यू, ये क्या होगा वाई जेड एक्स प्लस वाई, फिर क्या हो जाएगा बी और फिर ए को लेगा बी ए ए प्लस बी क्यू पी पी प्लस क्यू, ठीक ना, और वाई एक्स एक्स प्लस वाई इन। अभी इसको ब्रेक किए ध्यान से देखिए इस स्टेप में इसको ब्रेक किए तो दो बना, अब इसको ब्रेक करेंगे तो दो बनेगा, चलिए कैसे सी 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 ए प्लस बी आर आर क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू जेड जेड एक्स प्लस वाई, चलिए सी और इसको लेकर इसको लिए किए तो एक, इसको लिए तो ये दूसरा, इसको लिए और इसको लिए तो तीसरा। अब क्या करने वाले हैं हम, अब सी ए और ए प्लस बी लेंगे, ठीक ना, क्या हो जाएगा सी ए ए प्लस बी सी ए ए प्लस बी आर बी आर बी बी प्लस क्यू और जेड एक्स एक्स प्लस वाई जेड एक्स एक्स प्लस वाई, ये ब्रेक हो गया। अब हमने क्या किया देखो, इसको ब्रेक किया इस वाले को रो को तो ये दो डिटरमिनेंट बने और जब इसको आप ब्रेक करोगे तो ये दो डिटरमिनेंट बन जाएगा। अभी तीसरा रो तो बाकी ही है लेकिन उससे पहले एक चीज देखिएगा सी आर जेड और सी आर जेड ये दो रो आइडेंटिकल हो गया, मतलब इसकी प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू तो क्या होने वाली है जीरो होने वाली है, तो अगले स्टेप में इसको नहीं लिखेंगे, ठीक ना, इसको ब्रेक करेंगे और इसको ब्रेक करेंगे। और एक चीज ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पर हम रिप्लेस करने वाले हैं किसको इस वाले में, इसमें रिप्लेस करेंगे आर थ्री रिप्लेस बाई क्या आर थ्री माइनस आर वन माइनस आर टू, तो अभी इन दोनों पे आते हैं, ये प्रूफ करना था, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन में नहीं होगा, तो ध्यान से देखो अब ब्रेक करने जा रहे हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा बी सी देखो बी सी और ए, ठीक ना, फिर क्या होगा बी सी बी नहीं अभी नहीं बी सी ए क्यू आर पी और फिर क्या होगा वाई जेड एक्स, फिर क्या बनेगा भाई बी सी बी फिर क्या बनेगा क्यू आर क्यू क्यू
आर क्यूब, तो क्या बनेगा वाई जेड वाई, वाई जेड वाई। बोलिए क्लियर हो रहा है? अब आगे वाले यहां पर अभी बता रहे थे कि मैं एक रिप्लेसमेंट अप्लाई करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं रिप्लेसमेंट अप्लाई करने जा रहा हूं आर थ्री रिप्लेस बाई आर थ्री माइनस आर वन माइनस आर टू। इस वाले में ये जो अगला हम डिटरमिनेंट लिखने जा रहे हैं इसमें मैं क्या करने जा रहा हूं, ये एक रिप्लेसमेंट अप्लाई करने जा रहा हूं। मुझे लग रहा है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी बता रहे थे कि जो हटेगा वो तो यहां लिख दीजिए और इस बगल में आर वन या आर टू या दोनों और प्लस करिए माइनस करिए, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके प्लस करिए माइनस करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है। तो जब ये करोगे तो ध्यान से देखो इसमें क्या माइनस हो रहा है, ये भी माइनस हो रहा है, ये भी माइनस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो हो जाएगा। ध्यान से देखो ये पी माइनस होगा तो कट के माइनस जीरो, एक्स माइनस वाई माइनस आर थ्री में क्या हो रहा है आर वन भी माइनस हो रहा है आर टू भी, तो जीरो आ जाएगा और ये क्या होगा बी क्यू वाई ए पी एक्स। चलो ये तो हो गया, अभी ये दो में ब्रेक होगा, ये क्या होगा दो में ब्रेक होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे, जगह कम है इसलिए यहाँ पर जब ब्रेक होगा तो क्या होगा सी ए ए, क्या होगा सी ए ए, ये क्या होगा आर पी पी आर पी, और ये क्या होगा जेड एक्स एक्स जेड एक्स एक्स, क्या होगा सी ए बी आर पी क्यू आर पी क्यू, और फिर क्या होगा जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई, ठीक ना सी ए ए, फिर क्या होगा सी ए ए आर पी पी जेड एक्स एक्स, दूसरा क्या होगा सी ए बी आर पी क्यू जेड एक्स वाई। यहां देखिए अब ध्यान से देखिए यहां पर बी क्यू वाई और बी क्यू वाई दो रो आइडेंटिकल, तो इसकी भी वैल्यू जीरो, ये क्यों जीरो होगा क्योंकि दो रो आइडेंटिकल, यहां एक रो जीरो तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, बाई प्रॉपर्टी चल रहा है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्यों जीरो, इसके सारे एलिमेंट एक ही रो के सारे एलिमेंट जीरो, तो जीरो क्योंकि बताया जा चुका है कि किसी डिटरमिनेंट के एक रो के या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो, तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और यहाँ पर दो रो आइडेंटिकल हो गया तब जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमको लग रहा है दो रो आइडेंटिकल है तो ये भी जीरो बचेगा, ये और ये क्या बचेगा, यहाँ से देखिए क्या बच गया है, ये दोनों है यहाँ पर लिख लेंगे, लिखो भाई A Q R P Y Z X plus C A B R P Q X Y Z, याद है दो डिटरमिनेंट बचे, यहां तक बात समझ में आई है आपको, यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। इस वीडियो को देखिए, हमको मिटाना पड़ेगा भाई, ध्यान से देखिए, इसमें कोई रिमाइंड करके देखिएगा समझ में आएगा, अब हम मिटाने जा रहे हैं तो ये चीज मिटाएंगे, रिमाइंड करके बार बार देखेंगे समझ में आएगा, क्योंकि हम रिकॉर्डेड है तब थोड़ा सा पीछे आ जाइएगा, ये पीछे की बातें समझ में ना आई। अब हमको क्या करना है, ये तो आ गया लेकिन हमको तो इतना लाना था ना, तो ध्यान से देखो पहले एपीएक्स ऊपर में रो कौन होना चाहिए एपीएक्स होना चाहिए, यहां पर तो यहां पर है और यहां पर कहां है कुछ ये एपीएक्स, ठीक ना, और यहां पर तो सेकंड में है, इसका मतलब है कि इसको यहां ले जाएंगे और इसको यहां ले जाएंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इस वाले में फर्स्ट वाले डिटरमिनेंट में हमको आर वन को आर थ्री से रिप्लेस कराना होगा और यहां आर वन को आर टू से रिप्लेस कराना होगा, पहले वाले में हम रिप्लेस करा रहे हैं
आर वन रिप्लेस बाई, दोनों तरफ एरो मतलब रिप्लेस, सॉरी इंटरचेंज, इंटरचेंज करना होगा इन दोनों रो को, इंटरचेंज करना होगा। आर वन इंटरचेंज बाई आर थ्री, पहले वाले में है तो ये ए पी एक्स ऊपर हो जाएगा और बी क्यू वाई नीचे हो जाएगा, तो ना नहीं रहता है, और सी आर जेड तो जहाँ था वहीं रह जाएगा। लेकिन आपको बताया गया है कि डिटरमिनेंट में जब जो दो रो आपस में इंटरचेंज होगा तो उसकी वैल्यू तो नेगेटिव आ जाएगी, तो वहाँ पर माइनस साइन आएगा। इसमें भी वही काम करेंगे, इसमें रिप्लेस किसको, इंटरचेंज किसको करेंगे, आर वन को इंटरचेंज कर देंगे किससे, आर टू से, तो ये भी माइनस साइन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए पी एक्स और सी आर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये सी आर जेड नहीं होगा, क्या होगा, सी आर, सॉरी सी आर एक्स नहीं था, यहाँ पर जेड होगा, तो रिप्लेस करेंगे तो ए पी एक्स ऊपर जाएगा, सी आर जेड नीचे आ जाएगा, नीचे कितना होगा, पी क्यू जेड। चलिए भाई, पहले रो को तो हमने ए पी एक्स बना लिया है इसके अकॉर्डिंग, अब दूसरा क्या करना चाहिए, बी क्यू वाई होना चाहिए, अब बी क्यू वाई ना यहाँ पर है, कुछ थोड़ा सा रुक जाइए एक मिनट एक मिनट, ये पूरा गड़बड़ लिख दिया गया, जेड एक्स और ये वाई होगा, ध्यान से देखो यहाँ पर कौन से स्टेप लिखे गए थे, बी ये वाला, और हमको यही कॉपी करना था, सी आर जेड ए पी एक्स और बी क्यू वाई, जो थोड़ा गड़बड़ हो गया था बाद में हम बीच बीच में सही कर रहे थे, एक ही बार समझ लीजिएगा, यही दो चीज, एक ये और ये, एक कॉपी करके यहाँ दो लिखा हुआ है, उसी को कॉपी कर लीजिएगा, तो ये क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, ठीक है। अब ये बताओ कि ये वाला और ये वाला ये बीच में होना चाहिए, तो अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, दोनों दोनों में क्या इंटरचेंज करने वाले हैं, आर टू इंटरचेंज बाई आर थ्री, दोनों में अप्लाई कर देंगे, समझ में आ गई बात, तो जब दोनों में अप्लाई करोगे, दोनों में एक ही चीज अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा ये बात, दोनों में हम एक ही चीज अप्लाई करने जा रहे हैं, क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, आर टू इंटरचेंज बाई आर थ्री, तो करेंगे तो कितना होगा, बोलिए, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा और फिर माइनस साइन आएगा तो इसको प्लस बनाएगा, तो ए पी एक्स तो ऊपर ही रहेगा और बी क्यू वाई आ जाएगा सी आर जेड, और इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो ये प्लस होगा, ठीक है ना, माइनस आएगा तो, और ये जाएगा ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड। अब चूंकि दोनों एक जैसे, सॉरी डिटरमिनेंट मैट्रिक्स हमने लिखना शुरू कर दिया, ये डिटरमिनेंट से, सॉरी ठीक ना, अब दोनों के दोनों, दोनों में एक ही चीज अप्लाई करेंगे भाई, ध्यान में रखिएगा, दोनों में हमने आर टू आर थ्री को क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया, अब दोनों डिटरमिनेंट एक जैसे दिख रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, टू आर डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड, और ये हो गया आपका प्रूफ। बोलिए, थोड़ा सा टफ है लेकिन समझ में आ जाएगा आपको, क्लियर हो रही बात है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा कई बार देखिएगा समझ में आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, यहां से क्वेश्चन थोड़े अच्छे थे, कई बार देखिए, रिमाइंड कर करके देखिए क्योंकि रिकॉर्डेड थे, तो सिक्स क्या कह रहा है, सिक्स कह रहा है कि हमको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी और बी सी और जीरो की वैल्यू जीरो, क्या दिखाइए, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो प्रूव करना है, तो इसको थोड़ा सा मान के चलते हैं कि लेट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। अब क्या करते हैं इसमें कि यहाँ पर इसकी ट्रांसपोज, मैंने सारे रो को इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम में, कर सकते हैं ऐसा, बताए थे आपको कि किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, और ये भी बता, ये भी सुन लीजिए
कि यदि किसी डिटरमिनेंट में सारे रो को कॉलम में, सारे कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे तो उसकी वैल्यू अनस्टेंड रहती है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे तो जीरो ए माइनस बी, सेकेंड रो माइनस ए जीरो माइनस सी, और इसको बी सी जीरो हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि आप माइनस कॉमन कर लीजिए, कहाँ से? फर्स्ट रो से एक माइनस कॉमन, सेकेंड रो से एक माइनस कॉमन, थर्ड रो से भी एक माइनस कॉमन। अब होगा क्या, यदि पहले रो से एक कॉमन होगा तो साइन सबकी चेंज होगी, तो जीरो प्लस ए माइनस बी, यहाँ से कॉमन है एक ठो तो ये दोनों की साइन चेंज होगी, माइनस ए जीरो माइनस सी, और यहाँ से कॉमन होगा तो बी सी और जीरो हो जाएगा। अब ये बताइए कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, दोनों तो एक ही है। ध्यान से देखो, हमने इस स्टेप में क्या किया, पहले रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, तीसरे रो को तीसरा कॉलम बनाया, बना दिया। और बनाने के बाद इस रो से एक माइनस, इस रो से एक माइनस, इस रो से एक माइनस कॉमन किया। तुम कहो कि सर एक ही बार क्यों नहीं माइनस कॉमन करे, तो ध्यान से देखिए जितने रो होंगे उतने बार माइनस कॉमन होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ही इसकी है कि किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे रो में, और कॉमन करेंगे तो सारे रो से कॉमन होगा, या मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे कॉलम में और कॉमन करेंगे तो सारे कॉलम से करेंगे। सारे नंबर में तो मल्टीप्लाई होता नहीं है, मैट्रिक्स तो है नहीं, डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट में क्या होता है, किसी स्केलर का, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होता है, तो कॉमन भी रो वाइज ही होगा। यहाँ तीन माइनस है तो एक माइनस आ जाएगा, और यहाँ चूंकि ये माइनस हो जाएगा, और ये किसकी वैल्यू है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इधर पे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इधर जाएगा, तो टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। और किस डिटरमिनेंट किसको माने हैं, इसको माने हैं ना, देयरफॉर जीरो ए माइनस बी और माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी और जीरो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसको थोड़ा कल करने का तरीका अलग है, क्लियर हो रहा है? चलिए, ये छः नंबर क्वेश्चन था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं तब हम रहने देते हैं आज। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर, यह है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू प्रूफ करना है, कि वैल्यू होगी फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। चलो कैसे होगा ये दिखाते हैं आपको, इसकी वैल्यू इसके बराबर दिखाना है। तो यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है, पहले रो में ए दिख रहा है, फर्स्ट रो से ए कॉमन कर लो, सेकेंड रो से बी कॉमन दिख रहा है तो बी कॉमन कर लो, थर्ड रो से सी दिख रहा है तो सी कॉमन कर लो, कर लिए। लिख लेंगे टेकिंग ए फ्रॉम फर्स्ट आर वन, बी फ्रॉम आर टू एंड सी फ्रॉम आर थ्री, यहां लिख लीजिए टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम आर वन बी फ्रॉम आर टू सी फ्रॉम आर थ्री, क्या कर लेंगे, ए को आर वन से बी को आर टू से और सी को आर थ्री से कॉमन करेंगे। ए बी सी आ गया, ये होगा ए, यहाँ से कॉमन हो गया तो बी, यहाँ से कॉमन हो गया तो सी, यहाँ से बी कॉमन हो गया तो बचेगा ए माइनस बी, और क्या बचेगा सी, और यहाँ से सी कॉमन हो गया तो बचेगा ए, यहाँ बचेगा बी माइनस सी। अब क्या करेंगे कि इस कॉलम से ए, इस कॉलम से बी और इस कॉलम से क्या कर लेंगे, सी कॉमन कर लेंगे। ध्यान से देखते जाइए, तो चलो भाई फिर लिखिए टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम सी वन बी फ्रॉम सी टू एंड सी फ्रॉम सी थ्री, ठीक ना, यहां से ए यहां से बी यहां से सी, तो फिर एक ए बी सी आएगा, ए बी सी पहले से था और एक ए बी सी और आ जाएगा, और बचेगा कितना, वन 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 माइनस वन वन,
और 1 माइनस 1। अब क्या कर लीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब चाहो तो आप एक चीज कर सकते हो, आर वन रिप्लेस बाई आर वन प्लस आर टू और आर टू रिप्लेस बाई आर टू प्लस आर थ्री कर लीजिए। ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, आर वन को हटा दिया आर वन में आर टू जोड़कर और आर टू को हटा दिया आर टू में आर थ्री जोड़कर। तुम कहोगे कि ये क्या कर रहे हैं, तो कर सकते हैं आप एक बार R1 में रिप्लेसमेंट अप्लाई कर लिया और ये R2 में कर लिया। तो देखो ये जोड़ेगा तो क्या होगा 2, ये जोड़ेगा तो क्या होगा 0, ये जुटेगा तो क्या होगा 2, ये जुटेगा तो क्या होगा 2, ये जुटेगा तो क्या होगा 0, जुटेगा तो क्या होगा 0 और ये 1 माइनस। क्लियर हुआ? अब क्या हुआ कि इसमें दो नंबर जीरो हो गए, यहाँ दो नंबर जीरो। जब ऐसा होता है तो उसी के अलोंग एक्सपेंशन कर लेते हैं, तो यहां एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग किसके सी टू। अब ऐसा क्वेश्चन मालूम नहीं आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं, तो एक्सपेंडिंग अलोंग सी टू लिख तो दिया हमने। देखो किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू ना किसी रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन करिए, किसी कॉलम के अलॉन्ग करिए, एक ही आती है। प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको पता चला होगा, नहीं तो समझ लीजिए। यहाँ पर आप इसके अलॉन्ग एक्सपेंशन करके जैसे 2i इनटू में ये डिटरमिनेंट माइनस 0 ये डिटरमिनेंट लिखते थे ना, अब उसमें क्या करते हैं, इसके अलॉन्ग करना है तो 0 और 0 जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा दो वहां डिटरमिनेंट लिखेंगे तो होगा क्या। यहां देखो हो जाएगा 0 और ये जिस रो में है उसको हटाओ, जिस कॉलम में उसको हटाओ, अच्छे का क्या 2 1 0 माइनस 1। ये भी जानते हो कि इसकी माइनस की प्लेस होती है तो माइनस हो जाएगा माइनस की प्लेस। फिर जब ये माइनस हुआ तो ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 0 और ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा के तो 2 1 हो जाएगा और ये क्या होगा 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब प्लस 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ये जिस रो जिस कॉलम में हटाओ तो हो जाएगा 2। यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा इसी को, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पर ध्यान से देखिए ये 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा, 0 समझ लेता है 0। यहाँ बचेगा कितना 2 माइनस सॉरी क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 माइनस 4। कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ सॉरी ये माइनस ये प्लस और ये माइनस होगा, क्या होगा, ये प्लस किसकी है माइनस की है। अरे भाई देखो कैसे पता चलेगा कि ये माइनस की है, ध्यान से देखिए माइनस वन की पावर कौन सा एलिमेंट है 1 प्लस 2, मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम का, तो माइनस वन की पावर 1 प्लस 2 करोगे तो माइनस वन की पावर 3 आएगा, ये माइनस, तो इसकी माइनस कैसे, इसकी प्लस कैसे होगी, माइनस वन की पावर किस प्लस का है 2 2 वाले जगह पर है 2 प्लस 2 तो माइनस वन की पावर 4, तो ये प्लस वन की जगह आ गया, ये प्लस हो गया, ये किस प्लेस का एलिमेंट है तो माइनस वन की, जिस प्लेस का एलिमेंट है माइनस वन की पावर वही जोड़ दो, तो किस प्लेस का है सेकेंड रो सॉरी थर्ड रो सेकेंड कॉलम का है, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा तो माइनस वन की पावर 5 तो माइनस वन आएगा, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस आएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस पहले से था, ध्यान से देखिए यस, तो माइनस में 4 और 4 का इसमें कर दोगे तो क्या आएगा 4a² b² c² ये हो गया आपका प्रॉब्लम। यहाँ पर थोड़ा सा चीज आप समझ लीजिएगा कि किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू यदि प्रॉपर्टी चल रहा है तो मैक्सिमम 2 0, 3x3 का है तो किसी रो में या किसी कॉलम में आपको 2 0 बनाना ही बनाना था, तो 2 0 यहाँ बन गया, 2 0 यहाँ बन गया, तो चाहो तो इसके अलॉन्ग कर लो एक्सपेंशन। हमने एक्सपेंडिंग किसके अलॉन्ग किया है, सी टू के अलॉन्ग किया है। आप क्या कर सकते थे, आर टू के अलॉन्ग भी कर सकते क्योंकि इसमें भी 2 0 है, याद रखिएगा। तुम कहोगे सर हम केवल आर वन के अलॉन्ग कर लेंगे तो क्या होगा, तभी भी आंसर आएगा, लेकिन जब प्रॉपर्टी या डिटरमिनेंट की बात बोलेगा तो आप उसी के अलॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे जिसमें मैक्सिमम 0 होगा, याद रखिएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा डाउटफुल आंसर आ जाता है यार, लेकिन
प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में यही करते हैं, जिसमें मैक्सिमम जीरो उसी के अलावा एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, एक्सपेंशन करने का तरीका बताए थे कि ये जिस प्लेस कैसे पता चलेंगे कि ये प्लस का है कि माइनस का है, आपको बताया थे, बताए नहीं थे तो याद रखिएगा। माइनस वन की पावर क्या कर लो, ये जिस प्लेस का एलिमेंट में उसके सफिक्स को जोड़ो, तो किसका है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, टू प्लस वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस वन की पावर थ्री कितना हो जाएगा, माइनस वन, जिसकी प्लेस माइनस होगी। तो जब इसके अलावा एक्सपेंशन करेंगे तो माइनस टू लिखना पड़ेगा, माइनस टू, और जिस रो जिस कॉलम में होता है उसे हटा के डिफरेंट बना के उसकी वैल्यू सॉल्व कर दो। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा आज की सारी बात, और जो नेक्स्ट और दो चार क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में, अब मैं आगे बताने वाला हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और उसी में आपको मिलेगा फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, ठीक है, कल की वीडियो का वेट कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग आधा देख रहे हैं, दो मिनट चार मिनट क्या देखने का तरीका है, कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ जादू नहीं है बेटा कि खोलते ही आपको सब चीज़ समझ में आ जाए, धीरे धीरे देखेंगे वीडियो को, एक दो बार देखेंगे तब जाके बातें समझ में आएगी, आपके लिए पहली बार है तो एक बार में समझ, और उसके साथ प्रैक्टिस भी कीजिए, बुक भी पढ़िए, क्लियर, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। दूसरी बात है कि और भी बच्चों को बताइए, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आप लोग थोड़ा सा देखते हैं दो मिनट बंद करो यार, ऐसे नहीं समझ में आएगा, पूरा वीडियो देखिए, दो चार मिनट का एवरेज आप वीडियो देख रहे हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए मेरा आपसे एकदम नम्र निवेदन है और मेरा आदेश भी है, यदि आप स्टूडेंट हैं, कि पूरा पूरा वीडियो देखिए, और यदि कोई दिक्कत आता है तो आपका सुझाव भेजिए, आपके कोई सुझाव नहीं आ रहे हैं, पहले आते भी थे, आजकल लग रहा है आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो सुझाव जरूर भेजिए, और मैं बार बार कर रहा हूँ यदि किसी क्वेश्चन में है तो बेझिझक भेजिए, सर इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस कर लीजिएगा क्योंकि मुझे नहीं आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।